Hi, it's Vicky Jain. Hi, Sangeeta Lokhandi. And you're watching us on Filmy Beat. Keep watching. So, मैंने सोचा मुझे अपने Mr. B के साथ ही काम करना मुझे ज़्यादा पसंद आएगा, and we did that. पर आपका क्या reaction था? मेरा यही था, मंकू so sweet, yeah, so sweet. मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा से ना वो हीरोइन रही हूँ जो उस ज़माने की थी, you know, मतलब चाहे वो रेखा मैम चाहे वो माधुरी मैम का कह रहा हो। फैमिली का क्या रिएक्शन था ये गाना देखने के बाद? सबका वैसा ही रिस्पांस था और सब लोग बहुत खुश। शादियां करते रहते हैं हमारे। हमें पांचवी छठवीं बार हुई है बिग बॉस की एंट्री। हमें जहां मौका मिलता है जहां अगली गलती हम फेरे ले लेते हैं। वो भी पार्टी कितनी पार्टी कर रहे थक गए हम पार्टी। आगे बढ़ गए हम। अब हम वीर सावरकर की पार्टी कर रहे हैं। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है। दिस माय फर्स्ट एवर पोस्टर जो ऐसा है ना मेरे नाम पे है आम्रपाली। और ये कहानी खुद में बहुत बड़ी है। मुझे लगता है बेस्ट फिल्म है इसके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रणसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ हैं बेहद ही पॉपुलर और आप सभी का फेवरेट कपल अंकिता लोखंडे एंड विक्की जैन। आप दोनों का वेलकम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या सो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, गाने को इतना प्यार मिल रहा है, 4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। सो जब भी बिग बॉस से कोई कपल बाहर आता है तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने फेवरेट कपल को देखने के लिए किसी प्रोजेक्ट में, एंड आपके फैंस भी थे, उनको लगा था कोई रोमांटिक सॉन्ग या कुछ करेंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने शॉक कर दिया कुछ अलग करके। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे रोमांस था? तो वो दर्दनाक रोमांस था। रोमांस था हमारा, मेरी ख्याल से 30 सेकंड के लिए था, लेकिन था रोमांस। नहीं नहीं, रोमांस ही था पूरा गाना ही। इट्स अ पेनफुल लव स्टोरी है ये थोड़ी सी, लेकिन लोगों को रुलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, दर्द देना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक वो सॉन्ग भी वैसा ही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होती वही है जहाँ पे रोमांस होता है ना। ऑफ कोर्स इट्स अ इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला रोमांस, बट रोमांस तो था। सो जैसे कि आप दोनों ने साथ में पहली बार आप लोग स्क्रीन पर साथ में आए हो, तो कितना यू नो कितना टाइम लिया ये डिसाइड करने में कि यही प्रोजेक्ट करना है? नहीं, ज्यादा टाइम लिया। आई थिंक प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा था, टीम इतनी अच्छी थी, टी सीरीज है और यू नो भूषण सर थे और विशाल मिश्रा का सॉन्ग है और इतने सारे लोग जो इतने अच्छे अच्छे जुड़े हुए थे सॉन्ग से, यू कांट से नो टू सच प्रोजेक्ट्स, यू नो। और अगर हम दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर विक्की मेरे को जब बोला गया विक्की और मैं साथ में, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे ये गाना करना था, क्योंकि मुझे क्या पता आगे ये अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले। तो मुझे जब वो मिली तो मैंने सोचा मुझे अपने मिस्टर वी के साथ ही काम करना मुझे ज्यादा पसंद आएगा, एंड वी डिड दैट। पर आपका क्या रिएक्शन था? मेरा यही था, मंकू सो स्वीट, यार सो स्वीट। मतलब जेन्युइनली आई एम लकी कि अगर यू नो आपको सबसे पहला सॉन्ग कभी, एक तो आपको सॉन्ग करने मिले लाइफ में, उसके बाद फिर टी सीरीज का, फिर विशाल मिश्रा सब ने गाना गाया, फिर मनन भारद्वाज ने लिखा, फिर सौरभ सर, अंकिता, इतनी बढ़िया टीम थी, आई स्वेयर। तो सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं था, हमने तुरंत तुरंत उसको, मतलब उनका जो, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट उनका था और उन्होंने अगर वो कॉन्फिडेंस हम पे दिखाया तो बेसिकली वी हैड टू डू इट। और सच में वी आर रियली थैंकफुल टू टी सीरीज एंड भूषण सर स्पेशली कि उन्होंने ये सोचा कि हम लोग गाना करें। ओके, आपने क्लासिकल डांस किया अंकिता इसमें, सो जैसे आपका वो डांस देखा ना, वो एक झलक उसमें रेखा मैम की लगी, बिकॉज वो ऐसा लुक अब देखने को नहीं मिलता जैसा आपने वो लुक किया, तो आप कितने एक्साइटेड थे उसके लिए? मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा से ना वो हीरोइन रही हूँ जो उस जमाने की थी, यू नो, मतलब चाहे वो रेखा मैम हो, चाहे वो माधुरी मैम का कह रहा हो, आजकल वो टेस्ट, वो जो हीरोइंस वाली बात थी ना, वो कहीं खोती जा रही है मुझे ऐसा लगता है। और सब्जेक्टिव वैसे वो, हाँ सब्जेक्ट वैसे, और लोग करना नहीं चाहते वैसी फिल्म्स, लेकिन आई फील लाइक आई स्टिल फील दैट मैं उस 90s की हीरोइन वाली हूँ, जहाँ पे यू नो वैसी चीजें होती थी, चाहे वो रेखा मैम ने की हो फिर चाहे माधुरी मैम ने। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आया मेरे पास और मैं अगर उस चीज को इतने अच्छे से निकाल सकती थी, कर सकती थी, तो क्यों नहीं, यू नो। तो मैंने जब मैंने वो ड्रेस भी पहना, कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे वैसा दिखना है, यू नो, क्योंकि मैंने इतना देखा हुआ है रेखा मैम को और माधुरी मैम को। तो हर लड़की जो हीरोइन बनती है उनको कहीं ना कहीं एक बार वो रेखा और माधुरी वाला एक टैग जो होता है ना, वो आपके दिमाग में रहता है, वो चाहिए होता है। एंड एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर, मैंने इस चीज को मुजरे की तरह नहीं देखा, मुझे लगा एक फॉर्म ऑफ डांस है, यू नो, जो एक क्लासिकल मिक्स होता है जिसमें, आई एम नॉट अ क्लासिकल डांसर, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड डांसर, बट मैंने इतना देखा हुआ है बचपन से फिल्म्स में ये सारी चीजें कि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इन माई बॉडी है। तो वो जब मौका मिला तो मैंने सोचा बस इसे अच्छे से करना है, एक मौका मिला मुजरा करने का, इसे छोड़ना नहीं। एंड आप सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो उस लुक में। एंड विकी, आपका डेब्यू है, डेब्यू सॉन्ग है, सो आप यू नो क्या कुछ आपके माइंड में, दिल में चल रहा था कि यू नो पहला सॉन्ग है वो अंकिता के साथ है,
एक्साइटमेंट ही थी, मतलब जब से वो अनाउंस हुआ, जब से वो हमने उसका डिस्कशन चालू किया, फिर वो बहुत सारा उसका प्री वर्क होता है एक सॉन्ग को फ्लोर में ले जाने से पहले, तो वो सारा चल रहा था, तब तक कॉन्वर्जेशन होती थी, मीटिंग्स होती थी, तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था, पूछता रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज्यादा नॉलेज मैं पहले से ले सकूँ तो मैं शायद उतनी अच्छी तैयारी कर पाऊंगा, बिकॉज शायद तैयारी सारी मुझे ही करनी है, बाकी सब तो तैयारी होंगे तो मुझे ही तैयारियां ज्यादा लगेंगी, तो मैं कोशिश करता रहता था। बट उन्होंने बहुत सरप्राइजिंग रखा सब चीज, उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, वी वी वांटेड दे एक्चुअली वांटेड अ वेरी रॉ एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दे विल लाइक यू नो, हमें वो रॉनेस ही चाहिए है, वो वैसा कुछ आप टेंशन नहीं मुझे मत लो, प्रिपरेशन नहीं मतलब वो चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, हमें वो रॉ फील चाहिए है, तो बस तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, वो जो एक बिलीव था, तो यू नो वो एक बहुत बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी, एंड बहुत एक्साइटमेंट होती है सारी चीजें सोच के, अपने आप को आप लकी भी मानते हो कि आपको ये सब चीजें एक जिंदगी में आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो, मतलब मैं एक बिजनेस हाउस से बिलोंग करता हूँ, मैं वो काम भी कर पाया, मैं ये काम भी कर पा रहा हूँ, तो आई फील आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ जिसको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और समय भी मिल पा रहा है कि हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो बहुत 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 एक्साइटिंग, अच्छा फैमिली का क्या रिएक्शन था ये गाना देखने के बाद? बहुत बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा। मजेदार, मतलब यू नो, अब आप सोचो ना कि आप अगर वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज सोचोगे, तो आपके बच्चे जब ये सब सारी चीजें कर पा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो इतने सारे वो भी शायद बिजी हो जाते हैं अपनी उस लाइफ में, इतने रिलेटिव्स फोन कर रहे होते हैं, इतने दोस्त यार फोन कर रहे होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है बताने में, हाँ हाँ अभी एक सॉन्ग आ रहा है, अभी उन लोग एक शो कर रहे हैं, तो यू नो एक वो जर्नी भी चलती रहती है, एक ये जर्नी भी चलती रहती है, तो मेरे ख्याल से कोई एक अच्छी चीज होती है ना, तो उसमें सारे लोग अपने आप खुश हो जाते हैं, सारे लोग बिजी रहते हैं, सबका वैसा ही रिस्पॉन्स था और सब लोग बहुत खुश। ओके, सॉन्ग तो हमने स्क्रीन पर देख लिया, कुछ बीटीएस आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई फन मोमेंट या कुछ जो भी है साथ में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया? यार हॉलीडे था, इतना मजा आ रहा था, हमने सारी चीजों को एक्चुअली हमारा पहला एक्सपीरियंस था दोनों का एक दूसरे का काम करने का इस तरीके और से, बिग बॉस के पहली बार हम लोग को एक हॉलीडे मिला, हम लोग बाहर जा ही नहीं पा रहे थे कहीं पे भी, अदरवाइज हम दोनों बहुत घूमते हैं, और मतलब पहले हम लोग बहुत टाइम मिलता था, हम घूमते बहुत थे जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, अब ऐसा हो गया कि ये सब सारे, मतलब पहले ऐसा होता था कि मैं अगर 15 दिन बिलासपुर हूँ, 15 दिन मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ हम दोनों बहुत चिल करते थे, कुछ घूमने का एक प्लान बना लेते थे, फैमिली के साथ निकल जाते थे, ड्राइव्स पे निकल जाते थे, अब ऐसा होता नहीं कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे सारा कुछ ना कुछ लाइंड अप रहता है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, तो वो टाइम नहीं मिल रहा था, सबसे पहला थॉट ही ये ब्यूटीफुल था कि यार 2 दिन की हॉलीडे है, राजस्थान जाना है सब लोगों को, तो हमने चलो ठीक है 2 दिन वो हॉलीडे भी हो जाएगा, तो वो फील बहुत अच्छा था, और मतलब यू नो ओवरऑल वो फ्लाइट में बैठने से फ्लाइट से लौटने तक की जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी, मुझे लगता है वो पूरा बीटीएस पिक्चर ही बहुत अच्छा था। अच्छा एक और बार शादी आप लोग की हो गई इस गाने पे? हाँ, शादियां करते रहते हैं हमारे, हमारी 5वीं 6वीं बार हुई है, हम बिग बॉस की एंट्री हमें जहाँ मौका मिलता है, जहाँ अगली दिखती है हम फेरे ले लेते हैं। हाँ होता था ना, हमारे साथ होता है, पर हमारे बहुत अच्छा ट्रेंड भी है, स्मार्ट जोड़ी में हमारी शादी हुई थी, फिर यहाँ बिग बॉस में एंटर होते समय हुई, इस सॉन्ग में हमारे हर प्रोजेक्ट में एक शादी का सीन होता है हमारा यार, कोइंसिडेंटली है ना, मतलब ये सब कोइंसिडेंस है, अरे हो जाता है एक बार, भगवान का इशारा है, मतलब सक्सेसफुल शादी है, लगे रहो। ओके ऐसा था कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद कंटेस्टेंट्स ये कहते हैं कि यू नो लाइफ में ये चेंज हुआ वो चेंज हुआ, आप हम ये छोड़कर वहां पर आए हैं या ये चेंजेस लेकर आए हैं, सो आप लोगों ने ऐसा कुछ चेंज फील किया बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद? मुझे तो ऐसा लगता है चेंज एक ही होता है यार, इतना प्यार प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान अपने काम के लिए या अपने होने के लिए अप्रिशिएट होना चाहता है जिंदगी में, हर किसी को अप्रिसिएशन पसंद आता है, तो कोई भी शो जब आप करके निकलते हो या कुछ भी आप उपलब्धि करते हो, उसके बाद इतना जो प्यार मिलता है सब लोगों का, वही बस आपके साथ रह जाता है, तो जब से और वो एक चेंज सबकी लाइफ में वही एक आता है, उसके बाद तो प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर ये आता है, वो और जर्नी को लोगों का प्यार जो मिल रहा था उससे ज्यादा बढ़ गया है, वो एक चेंज है, एंड उसको बरकरार रखने के लिए जो मेहनत करनी है वो अब हम कर रहे हैं। ओके या सो आई एम श्योर पार्टीज भी होती होगी बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट? नहीं अब नहीं होती, अभी कहाँ हो रही है वो भी पार्टी, कितनी पार्टी कर रहे, थक गए हम पार्टी, आगे बढ़ गए हम, अब हम वीर सावरकर की पार्टी कर रहे हैं। अच्छा वीर सावरकर आपने देखी? हाँ देखी, 2 बार देखी, 3 बार कम से 3-4 बार देख ली, क्योंकि अलग अलग लॉट ऑफ पीपल जो था ना, अलग लोग, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई, और मतलब
और ये इसलिए पता चलता है कि यू नो फिल्म ने जैसे शुरू किया वो अभी तक बस ग्रो करती ग्रो जा रही कर है, रही है ग्रो करती जा रही है, फिल्म स्टिल और अर्निंग मनी सच में नॉट बिकॉज कि अंकिता उसका पार्ट है या ये है, मतलब जैसे मेरे फादर आए उन्होंने देखी तो उनको इतना अच्छा सब्जेक्ट लगा, और जितने एज ग्रुप के लोगों ने देखी मेरे ख्याल से सबको, क्योंकि कुछ लोगों ने उससे कुछ सीखा समझा, कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके बारे में पता पता था तो था। तो देवर सो हैप्पी कि इतना वेल रिसर्च प्रोजेक्ट था कि उन्होंने मतलब शायद 3 घंटे भी कम पड़ रहे थे उनके बारे में दिखाने के लिए। और भारतवर्ष की जो फ्रीडम फाइटिंग वाला जो एक जोन है उसमें जितने भी लोग थे उन सबका योगदान एक इतना बड़ा है, उनमें इनका एक इतना स्ट्रॉन्ग योगदान था जो शायद सब लोग नहीं जानते थे, तो वो उसको क्योंकि हर फिल्म देखो एक बार ही बनती है किसी एक सब्जेक्ट में, बार बार तो बहुत कम ऐसे हीरो जिनके बारे में बहुत सारा डेटा है, बट कई हीरो के बारे में एक ही एक बार बनता है, तो मेरे ख्याल से इतना वेल रिसर्च सब्जेक्ट था कि वीर सावरकर जी की फिल्म जिन्होंने देखी है उनके बारे में उनको सबको पता होगा, हाँ सबको सबको पता पता होगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उस है। हिसाब से यार फिल्म इज एक्सीलेंट। वेल इतनी ग्रेट फिल्म थी और बहुत तारीफ हो रही है। अंकिता ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस फिल्म का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना था यार, सीखने मिला बहुत बहुत सीखने में। मिला। और मुझे भी फ्रेंकली मैं कहूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि वीर सावरकर कौन थे। आप मैं ऑफ कोर्स मराठी फैमिली से हूँ तो मैंने वीर सावरकर उनका नाम बहुत सुना है, अपने पापा पापा के मुंह से कितना बात बहुत बात करते थे, करते उनको बहुत पता था। आई मीन मेरे पापा मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थे इस फिल्म के लिए, आई रियली फील अगर वो होते तो उनको वो इतना खुश होता ना इस फिल्म को देख के। तो हैं मैं खुद उस फिल्म को देख के इतना सीख पाई हूँ ना कि मुझे मुझे एक रियलिटी चेक मिला है कि अच्छा ऐसा कुछ था हमारे भारतवर्ष में। तो आई थिंक ये फिल्म इसीलिए ज्यादा मायने रखती है कि हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि हमें शायद हम कहीं कहीं हम हमें लगता है कुछ सच है लेकिन कुछ और सच होता है। सो आई थिंक यू नो मैं इस फिल्म को देखे बहुत अपने लिए समझ पाई हूँ कि वीर सावरकर जी कौन थे, यमुना बाई कौन थी, कितने कॉम्प्रोमाइजेस हुए, कितने सारा यू नो कितना कितने लॉसेस हुई है लाइफ की, और उसके बाद भी यू नो आज उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आजादी चाहिए थी। एंड दैट्स और शायद वो वक्त अलग था और शायद आज भी बहुत वक्त अलग अलग है, था। बट आज भी हमको अपनी लाइफ में से कितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तो जब हम ये चीजें देखते हैं कि लोगों ने किस तरह से किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइजेस लोग करते थे, तो आपको एक शक्ति अपने आप मिलती है कि अगर कोई चीजें अगर आप उसको आज की डेट में भी अडेप्ट कर सको और अपनी लाइफ में कर सको, तो ये सब रियल हीरोज की कहानियां हमेशा बहुत अच्छी होती राइट। और एक और अमेजिंग यू नो आपका पोस्टर बाहर आया आम्रपाली का, yes. तो उसके बारे में क्या आप बताना चाहोगे? बहुत एक्साइटेड हूँ यार, अच्छा लगता है जब आपका यू नो आपको दिस इज माय फर्स्ट एवर पोस्टर जो ऐसा यू नो मेरे नाम पे है आम्रपाली, और ये कहानी खुद में बहुत बड़ी है। मुझे लगता है बेस्ट फिल्म है इसके लिए, क्योंकि आम्रपाली जी अपने आप में उस टाइम पे एक बहुत ब्यूटीफुल एक ह्यूमन थी, एक लेडी थी, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी डांसर थी, नृत्यांगना थी, तो और अंकिता में दोनों चीजें हैं, मतलब बहुत उनकी वो बहुत सूट कर रहा है। हाँ एकदम अभी एक्ट। क्या होता है ऐसा जब परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है ना तो आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो कि नहीं यार आपको लोगों को निराश नहीं करना है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे रोल्स मिल रहे हैं जिसमें यू नो वुमेन सेंट्रिक रोल्स हैं और पीपल सी मी दैट वे कि ये वो शायद परफॉर्म कर सकती है, तो जब इस तरीके से देखा जाता है तो अच्छा लगता है, और थोड़ी सी नर्वसनेस भी है लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ कि आई एम श्योर आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट टू दिस। या डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को भी बहुत प्यार मिलने वाला है।